Hello friends, welcome in Achal's Pharmacology classes. आज हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जो कि इंट्रासेलुलर इफेक्टर सिस्टम जी प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है. इस रिसेप्टर को हम मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं. जी प्रोटीन ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड जैसे जीटीपी या फिर जीडीपी से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से इस प्रोटीन को जी प्रोटीन नाम दिया गया है. इसका स्ट्रक्चर, ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है. इसमें 7 अल्फा हेलिक्स होते हैं जिसमें 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप होते हैं और 3 इंट्रा सेलुलर लूप होते हैं. इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल होता है वो NS2 है या N टर्मिनल के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो इंट्रा सेलुलर टर्मिनल होता है वो C टर्मिनल कहलाता है. इसमें जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है वो बाइंडिंग डोमेन है. इस बाइंडिंग डोमेन से ही आकर ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन बाइंड होते हैं. आप देख सकते हैं कि इसके इंट्रा सेलुलर लूप का एक लूप थोड़ा सा बड़ा है. ये जो लूप होता है ये जी प्रोटीन कपलिंग डोमेन है. जी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में फ्लोटिंग स्टेज में होता है, जब रिसेप्टर किसी ड्रग या फिर लाइगेंड के बाइंड होने से एक्टिवेट होता है तब ये जी प्रोटीन इसे पहचानता है और आकर अपने जी प्रोटीन कपलिंग डोमेन से इंट्रैक्ट करता है. जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा. इसके अल्फ़ा सब यूनिट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है. GTPase एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ GTP टू GDP. जी प्रोटीन के तो बहुत सारे क्लासेस हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, लेकिन इसके 4 मेन क्लासेस हैं GS, GI, GO और GQ. GS ये स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन्स होते हैं. जब स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होता है तब यह एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है. GI इनहिबिटरी जी प्रोटीन्स होते हैं. जब इस तरह के जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं तब एडिनाइल साइक्लेज डिप्रेस होता है और पोटेशियम चैनल को ये ओपन करता है. GO जब इस तरह का जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तब यह कैल्शियम आयन चैनल्स को क्लोज कर देता है. एंड GQ जब इस तरह का जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तब यह फास्फोलाइपेस सी एंजाइम को एक्टिव करता है. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जनरली 3 तरह से एक्ट करते हैं. इसके 3 इफेक्टर पाथवे हैं. पहला है एडिनाइल साइक्लेज या साइक्लिक AMP पाथवे, दूसरा है फास्फोलाइपेस सी IP3 DAG पाथवे और तीसरा है चैनल रेगुलेशन. एडिनाइल साइक्लेज या साइक्लिक AMP पाथवे, इस पाथवे को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जब एड्रेनेलिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ADR लिखा है, ये ADR एड्रेनेलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब एड्रेनेलिन अपने बीटा रिसेप्टर से बाइंड होता है तब ये GS स्टिमुलेटरी टाइप के जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. स्टिमुलेटरी टाइप का जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने से जो GTP है वो कन्वर्ट होता है GDP में. जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के एक्टिवेट होने से ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को. एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में. ये साइक्लिक AMP फास्फोराइलेट करता है साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस ए एंजाइम को. प्रोटीन काइनेस ए एंजाइम कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है और इससे कैल्शियम आयन की सेल के अंदर एंट्री बढ़ जाती है. सेल के अंदर जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री बढ़ने लगती है, सेल के अंदर प्रेजेंट इंट्रासेलुलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कैल्शियम का स्टोरेज साइट होता है. यहाँ से भी कैल्शियम का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम आयन का कंसनट्रेशन सेल में बढ़ने लगता है. जब कैल्शियम आयन सेल में बढ़ने लगता है तब यह ट्रोपोनिन से इंट्रैक्ट करता है और मसल में
कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जी प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू साइक्लिक एएमपी के थ्रू मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली जब एसिटाइल कोलिन आप अपने राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ACH, ये एसिटाइल कोलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एसिटाइल कोलिन अपने मस्करेनिक M2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब ये GI इनहिबिटरी टाइप के जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये इनहिबिटरी जी प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं जिससे कि साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन नहीं होता है और कैल्शियम आयन की एंट्री रुक जाती है। इस वजह से मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। सेकेंड पाथवे है IP3 DAG पाथवे। IP3 DAG पाथवे को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हिस्टामिन जब अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब वह GQ टाइप के जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये GQ प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट PIP2 यानी कि फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटॉल 4-5 बिसफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करता है IP3 मतलब आइनोसिटॉल 1-4-5 ट्राईफॉस्फेट में और डैग यानी डाईसाइलग्लिसरॉल में। जो IP3 होता है IP3 डायरेक्ट कैल्शियम आयन की मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है और डैग कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर PKC यानी कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं। ये कैल्शियम आयन कॉलमोडोलिन से इंट्रैक्ट करता है और मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। इसका थर्ड पाथवे है चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन में जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स होते हैं वो बिना किसी सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक AMP या फिर IP3 या DAG के मदद के बगैर ही वो कुछ चैनल्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन चैनल्स को ये डायरेक्टली ओपन करते हैं। यहाँ पर जी प्रोटीन किसी तरह के सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट नहीं करता बल्कि वो डायरेक्ट ही चैनल्स को ओपन कर सकता है। तो इस वजह से सेल में डिपोलराइजेशन या फिर हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि GS स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन से वो डायरेक्टली ओपन करते हैं कैल्शियम चैनल्स को इन मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल्स। GI या फिर GO इस तरह के जी प्रोटीन्स डायरेक्टली ओपन करते हैं पोटेशियम चैनल्स को इन हार्ट एंड स्मूथ मसल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे।